थाना फूलपुर पुलिस व SOG गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी के विभिन्न व अभियोग से संबंधित 3 अंतर्राज्यीय शातिर अभियोग गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 1 बुलेरो कार तथा 1 अवैध तमंचा, 12 बोर व 3 कारतूस, 12 बोर व 3 लाख रुपए तथा निशानदेही पर 1 स्विफ्ट कार, 1 मोटरसाइकिल बरामद। प्रयागराज जनपद के थाना फूलपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 113/24 धारा 379 से संबंधित 3 वांछित अभियुक्त मोहम्मद शमशाद उर्फ पकन्ना पुत्र अजीत मुल्ला निवासी शाहगंज थाना सोराव कमिश्नरेट प्रयागराज एग्जाज पठान पुत्र स्वर्गीय सिराज निवासी नईगंज जनपद जौनपुर अफसर अली पुत्र स्वर्गीय जमशेद आलम निवासी ग्राम बगरावाजिद थाना बनियारी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार को थाना फूलपुर पुलिस व SOG गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28/6/2024 को थाना फूलपुर क्षेत्र अंतर्गत गरीब मठ के पास से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुए बुलेरो वाहन संख्या UP70BV5147 व 1 अवैध तमंचा 12 बोर तथा 3 कारतूस 12 बोर व 3 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त के धारा 411/413/414 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई। उपरोक्त अभियुक्तों की निशानदेही पर थाना सोराव पर पंजीकृत चोरी के अभियोग से संबंधित 1 स्विफ्ट कार वाहन संख्या JH01EE5007 व थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत चोरी के अभियोग से संबंधित मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP70FY1457 बरामद किए गए। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्तों द्वारा चोरी किए गए वाहनों को मुजफ्फरपुर बिहार ले जाकर बेच दिया जाता था तथा प्राप्त रुपयों को आपस में बांट लिया जाता था। मोहम्मद शमशाद उर्फ पकन्ना पुत्र अजीत मुल्ला निवासी शाहगंज थाना सोराव कमिश्नरेट प्रयागराज उम्र करीब 30 वर्ष, एग्जाज पठान पुत्र स्वर्गीय सिराज निवासी नईगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 33 वर्ष। तेईस जून को थाना फूलपुर में एक ट्रक चोरी होने की घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए ACP फूलपुर और थाना अध्यक्ष फूलपुर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इनके द्वारा इस घटना के अनावरण में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है अफसर अली, जो मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है। उसको मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके द्वारा बताया गया कि जो ट्रक है उसको काट कर बेच दिया गया था, जिसमें 3 लाख रुपये इसको बरामद हुए थे। ये 3 लाख रुपये की रिकवरी पुलिस टीम द्वारा की गई है। साथ ही साथ इस गैंग के अन्य इनकी निशानदेही पर अन्य 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है मोहम्मद शमशाद, ये निवासी सुराव प्रयागराज का है, और एजाज पठान जो जनपद जौनपुर का रहने वाला है। इस इनकी निशानदेही पे 3 और वाहन अन्य अन्य घटनाओं के जो बरामद हुए हैं, एक बुलेरो वाहन बरामद हुआ है जो फूलपुर से चोरी हुआ था, एक स्विफ्ट कार बरामद हुई है जो सुराव से चोरी हुई थी, और एक मोटरसाइकिल जो सिविल लाइन जनपद प्रयागराज से चोरी हुई थी, वो सब भी इसमें बरामद की हुई है। आपराधिक इतिहास किस तरह से इनका है? इनका एक वृहद आपराधिक इतिहास है। शमशाद मोहम्मद शमशाद के विरुद्ध में 2 मुकदमे हैं, एजाज पठान के विरुद्ध में 14 मुकदमे हैं, और अफसर अली के विरुद्ध में 9 मुकदमे हैं। इसमें अन्य जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसका पता कराया जा रहा है। सभी के विरुद्ध में कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ गैंगस्टर भी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से गाड़ियां बेचते थे? इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि यहाँ से चोरी करके ये इसको बॉर्डर क्रॉस कराते थे या किसी ऐसे दूर के जनपद में लेके जाते थे, जहाँ पे इनके फिर और वहाँ के जो लोकल मैकेनिक थे उनके साथ में इनके संपर्क होते थे, जो इसको काटते थे वाहन को और उसको उसके पार्ट जो हैं वो बेच देते थे।